क्या कहते हैं? फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला जो है जी, वो आपको पता है 8 सालों के बाद आया है, और मुकम्मल सबूत और हकाइक के साथ सामने आया है। ये ऐसे नहीं जैसे कि हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पे GIT बन गई थी और उसने फटाफट, जिसको पजारने कहते हैं, यानी आँख झपकने में अपनी जो है ना वो एक जाली रिपोर्ट बता सुना दी। ये तो 8 साल यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही है, तफ्तीश होती रही है और सारा कुछ सामने आया है। तो ये जिस जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ, आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का, सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था तो उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, और एहतजाज की कॉल भी जुबे रात को रखी हुई है। पता था कि चोरी की हुई है, इमरान खान को अच्छा भला पता था कि उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका डाला हुआ है, और उसको नज़र आ रहा था कि फैसले में सब कुछ आएगा। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 साल जद्दोजहद और तफ्तीश की के बाद ये रिपोर्ट आपके सब कौम के सामने आई, और इस शख्स का फितना, इस शख्स का शर, पाकिस्तान की तबाही, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया। तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना, और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने, जो पाकिस्तान को इतना अच्छा हम बना रहे थे, चला रहे थे, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, दिन ब दिन तरक्की हो रही थी, पाकिस्तान एक नया ख्वाब देख रहा था, इस शख्स ने आकर उसको चिकना शूर कर दिया। ये फॉरेन एजेंडे पे था, कोई शक नहीं मुझे, इस रिपोर्ट के बाद तो कोई शक बाकी रह ही नहीं गया कि ये गैर मुल्की एजेंडा था जिसको ये पाकिस्तान के अंदर नाफिस करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देखें, ये इस ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक व्हाट्सएप पर रिपोर्ट बना दी थी मेरे खिलाफ, और उसमें व्हाट्सएप में बताया गया कि इन बंदों को आप GIT में शामिल करें, हुए शामिल, और उसमें एक ISI का नुमाइंदा भी डाला गया, उसमें एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का नुमाइंदा भी डाला गया, और दिनों में रिपोर्ट बना के तो पेश कर दी गई। और फिर ऐसी चीज़ पर मुझे निकाल दिया गया जो समझ में ना आने वाली है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बनती थी तनख्वाह नहीं ली, और वो चंद लाख रुपए थी जो मैंने तनख्वाह, वो मेरा बेटा है भाई, मैं लूँ ना लूँ मेरी मर्जी है भाई, तो उस पर मुझे निकाल दिया और वज़ीर आज़म को की छुट्टी करा दी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में वो भी पहला एक वाकया जो हुआ है। तो मैं आपसे, मैं कौम से, बल्कि ये मैं गुजारिश करूँगा कि कौम इसका नोटिस ले, इस बंदे ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। और फिर आप जानते भी हैं कि साकिब निसार जैसे भी जुल्म कर गए, इतना बड़ा जुल्म ढा गए हैं इस इमरान खान के साथ मिलकर। पहले तो इसको जाली सादिकों मीन का सर्टिफिकेट दिया, जाली कागज़ों पे दिया, और फिर ये भी ऑडियो के ऊपर, साकिब निसार साहब ऑडियो क्लिप्स जिन्होंने नहीं सुना सुन लें कि साकिब निसार ने कहा कि हमने मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को सजा देनी है और इमरान खान को लाना है।
ये हमारा एजेंडा है, उसको लाना है, इनको जेलों में डालना है। ये उस जमाने की बात है जब मेरे खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था, और साकिब निसार साहब ने हुक्म दिया नैब कोर्ट को कि भी आप लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ख़िलाफ़ मुकदमा जल्द से जल्द निपटाएं, और हमें सिसिलियन माफिया कहा गया, हमें गॉडफादर के खिताबात से नवाजा गया, और साथ ये भी कहा गया कि हफ्ते में कोई छुट्टी ना करें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्योंकि मुकदमा का फैसला करें और मॉनिटरिंग जज लगा दिया। मुकदमे का फैसले का मतलब क्या है? मुकदमे का फैसले का मतलब ये है कि नवाज शरीफ को सजा दें, फलां तारीख तक दें, इलेक्शन से पहले दें, 2018 के इलेक्शन से पहले सजा मिलनी चाहिए ताकि नवाज शरीफ फील्ड में हो ही ना और इनकी पार्टी दोबारा कामयाब ना हो सके। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है भाई, रिकॉर्ड का। और मैं ये समझता हूँ जी कि ये साकिब निसार साहब चाहे रिटायर हो गए हैं, लेकिन वक्त आएगा उनको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। अजमत शेख साहब जो जज थे उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने व्हाट्सएप पे किस तरह से JLT बनाई, और खोसा साहब को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने इमरान खान को कहा कि तुम क्यों यार सड़कों पे फिरते आओ हमारे पास वर्ड का। और मैं ये समझता हूँ जी कि ये साकिब निसार साहब चाहे रिटायर हो गए हैं, लेकिन वक्त आएगा उनको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। अजमत शेख साहब जो जज थे उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने व्हाट्सएप पे किस तरह से JLT बनाई, और खोसा साहब को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने इमरान खान को कहा कि तुम क्यों यार सड़कों पे फिरते आओ हमारे पास, अपना केस लेके आओ, हम फैसला सुनाएंगे। ये हद होती है यार नाइंसाफियों की, जुल्म की, ज्यादतियों की। तो मेरे खिलाफ जुल्म ज्यादती नाइंसाफी करते करते पाकिस्तान को डबो दिया, पाकिस्तान को नऊज़बिल्ला तबाह बर्बाद कर दी। आज पाकिस्तान को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो हाल पिछले 4 साल में कर दिया है कि इसको वेंटिलेटर पे लेकर ले आए, और जिसको आज दोबारा सांस बहाल करना बड़ा इतना मुश्किल हो रहा है। लोगों की बेचारों की महंगाई में कमर टूट गई है, 4 साल कमर तोड़ते जाते रहे, आज उसका तसलसल चल रहा है जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है, और मैं इस वक्त बड़े पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा और फिर पाकिस्तान के जो है वो सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें, इस फितने की फितनाबाजी शरणगेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें, जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया, हमारी इकॉनमी को तबाह करके रख दिया, हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया इस बंदे ने। ये कुछ खारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था यहाँ। और आप जानते हैं यहाँ सादिक साहब जो मेयर हैं लंदन के, उसकी इलेक्शनों में उसकी मदद करने की बजाय उसके मुखालिफ जो जैक गोल्ड स्मिथ उसकी मदद कर रहा है ये बंदा। तो इससे ज़्यादा कोई फॉरेन एजेंडा लेकर कोई बंदा इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो क्या इससे बड़ा सबूत हो सकता है? और जैक गोल्ड स्मिथ जिस कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक है वो आप जानते हैं, मैं अपने मुँह से क्या कहूँ। तो ये बंदा जो है ना ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर। सर PDM के हवाले से कुछ बताएंगे? PDM